हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स फ्रॉम क्लास सेकंड, मैरी गोल्ड बुक, यूनिट 5। तो शुरू करते हैं ये स्टोरी। ये स्टोरी एक बच्ची की है जिसका नाम कर्ली लॉक है। अब वो बच्ची क्या करती है वो देखते हैं। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर, हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। वन डे सी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस, सी सॉ अ कॉटेज। एक लड़की थी जिसके बहुत कर्ली हेयर थे, यानी घुंघराले। कर्ली यानी क्या होते हैं, घुंघराले बाल थे, और उसका नाम कर्ली लॉक था। एक दिन क्या हुआ, उसके घर जहाँ वो रहती थी उसके पास ही एक जंगल था। वो उस जंगल में चली गई और वहाँ पे उसने एक कुटिया देखी। इज एनीबडी इन, सी आस्क, और वहाँ पे कुटिया के पास जाके बोली कि क्या कोई है। देर वॉज नो बडी, द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। तो जब उसने आवाज़ लगाई तो वहाँ कोई नहीं था, तो किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। और जो उस कुटिए में एक बियर फैमिली रहती थी, मतलब भालू की फैमिली रहती थी, और वो घूमने के लिए निकल गए थे। कर्ली लॉक वेंट इन, सी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। तो कर्ली लॉक, जब कोई आवाज़ नहीं आई तो कर्ली लॉक अंदर चली गई, और उस क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उसमें कौन रहता है। सी सॉ थ्री बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल, उसने देखा कि तीन बाउल्स रखे, यानी बाउल्स यानी कटोरी, तीन कटोरी रखी है जिसमें पॉरेज रखा है। पॉरेज यानी भोजन होता है, दलिया, दलिया टाइप का भोजन होता है, मतलब पतला दलिया या हलवा इस टाइप का भोजन, उसको हम पॉरेज बोलते हैं। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर, वहाँ एक सबसे बड़ा बाउल जो था वो पापा बियर का, मतलब जो सबसे हेड थे उसके, पापा जो था उसका, उसका था। और अ मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर, और जो मिडिल साइज का था बड़े से थोड़ा छोटा वो मम्मी का था। अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर, और जो सबसे छोटा था वो बच्चे, जो सबसे छोटा भालू था उसका था। कर्ली लॉक वॉज हंग्री, जो कर्ली लॉक थी वो बहुत भूखी थी। हंग्री यानी क्या होता है, भूखा। सी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल, तो उसने क्या किया, जो सबसे बड़ा बाउल था खाने का, भोजन का, उसने वो खा लिया। इट वॉज वेरी हॉट, लेकिन वो बहुत गर्म था। सी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल, तो फिर उसने मिडिल वाला बाउल उठा लिया, उसमें से खाया। इट वॉज टू कोल्ड, लेकिन वो बहुत ठंडा था। सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, तो फिर उसने सबसे छोटा बाउल उठाया, उसमें से खाया। इट वॉज जस्ट राइट, और वो बिल्कुल ठीक था, ना तो ज़्यादा गर्म था और ना ज़्यादा ठंडा था। कर्ली लॉक एट अप ऑल द पॉरेज, देन सी वेंट टू द बेडरूम, तो जो कर्ली लॉक थी उसने सब पूरा भोजन कर लिया और फिर बेडरूम में चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, वहाँ एक बहुत बड़ा बेड था जो बड़े वाले भालू के लिए था। अ मिडिल साइज बेड फॉर मामा बियर, और फिर एक मिडिल साइज का था, बीच का था, मतलब वो मम्मा के लिए था, मामा बियर के लिए। अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, और सबसे छोटे भालू के लिए छोटा सा बेड डला हुआ था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, और जो सबसे बड़ा भाले भालू का जो बेड था वो बहुत हार्ड था। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, और जो मम्मा का था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत मुलायम था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, लेकिन जो सबसे छोटे भालू का बेड था वो बहुत सही था। कर्ली लॉक फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड, तो कर्ली लॉक ने क्या, सबसे छोटे वाले बेड पर जाके सो गई। द बियर फैमिली केम बैक, तो जब बियर फैमिली का वापस आई, Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. तो जो सबसे बड़ा वाला भालू था उसने कहा कि किसी ने मेरा खाना खा लिया। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. तो फिर मम्मी भी बोली, किसी ने मेरा भी खाना खा लिया। Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. तो सबसे जो छोटा भालू था उसने बोला, मेरा भी किसी ने पूरा खाना खा लिया। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, तो वो पूरी सब तीनों लोग फिर बेडरूम में गए। समबडी स्लैप्ड इन माई बेड, शाउटेड पापा बियर इन हिज बैक ग्रुप वॉइस, तो फिर पापा बियर मतलब सबसे बड़ा वाला भालू फिर चिल्लाया, बोला कोई मेरे बेड पे सोया था। समबडी स्लैप्ड इन माई बेड टू, सेड मामा बियर, तो फिर मम्मा बियर भी बोली कि कोई मेरे बेड पे भी सोया था। समबडी स्लीपिंग इन माई बेड, सेड बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस, अपनी प्यारी सी आवाज़ में सबसे छोटा वाला भालू बोला कि कोई मेरे बेड पे सो रहा है। कर्ली लॉक वो कब, तो
ऐसे ही ये सबकी आवाज़ सुन के कर्ली लॉक जग जाती है एकदम से। सी सॉ द थ्री वियर्स, सी जम्प डाउन एंड रेन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कुड। तो उसने जैसे ही उठ के देखा, उसने देखा कि तीन भालू सामने खड़े हैं। उसने बेड से नीचे जंप किया, ऐसे कूद गई बेड से और वहाँ से भाग गई, उस कुटिया से भाग गई जितना जल्दी हो सके उतना। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी? देखिए इसमें पिक पिक में ये लड़की है जिसके कर्ली हेयर हैं, इसीलिए इसका नाम कर्ली लॉक पड़ जाता है। अब इसमें न्यू वर्ड्स देखते हैं। कर्ली, कर्ली यानी घुंघराली, कॉटेज, कॉटेज कुटिया, एक तरह का छोटा सा घर जो बना लेते हैं हम कुटिया टाइप की, बाउल यानी कटोरी, और पॉरिज यानी भोजन, दलिया, जैसे दलिया पतला भोजन जो होता है, हंगरी यानी भूखा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखो ये पिक पिक में कर्ली लॉक कैसे डर जाती है तीनों भालू को देख कर। रीडिंग इज फन, तो इसके ये क्वेश्चन मेन हैं, उसको मैं आपको बता देती हूँ। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में कॉटेज था उसमें कौन रहता था? द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, तो जो बियर फैमिली थी वो रहती थी। व्हाट डिड कर्ली लॉक सी ऑन द टेबल, कर्ली लॉक में टेबल में क्या देखा? तो कर्ली लॉक सॉ थ्री बाउल्स ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल। व्हाई डिड सी ईट अप ऑल द पॉरिज फ्रॉम बियर्स बाउल, सी ईट ऑल द पॉरिज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट, उसने छोटे वाले बेबी बियर के भोजन क्यों कर लिया? क्योंकि वो उसके लिए सबसे सही भोजन था। हुज बेड डिड कर्ली लॉक स्लीप इन एंड व्हाई, कर्ली लॉक किसके बेड पे सोई और क्यों? कर्ली लॉक स्लेप्ट इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू स्लीप। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स, और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट डाल दूंगी हैंड रिटन में, तो आपको अगर इसमें समझ नहीं आया तो आप उसमें देख लीजिए। आई होप आपको सब समझ आया, और कोई भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।